हाय एवरीवन, दिस इज मी रीनू एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक या दो नहीं बल्कि बल्क में गुड न्यूज देने वाली हूँ। मैं बात करूंगी लॉकडाउन से अनलॉक की, जो अब स्टार्ट हो चुका है और 8 जून 2020 से जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, रिलीजियस प्लेसेस है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब खुल रहे हैं, तो जस्ट बी हैप्पी, आप दर्शन कीजिए जाके। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, होटल्स, रेस्टोरेंट और जो भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो भी एरियाज है वो सब ओपन होंगे। तीसरी जो चीज इसमें आई है, शॉपिंग मॉल्स भी ओपन हो रहे हैं सारे 8 जून से, तो जाइए शॉपिंग कीजिए। और फिर दूसरे फेज की बात करें जो मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये जो भी है एसओपी के रेडी होते ही सब ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी डेट से कब से स्टार्ट होंगे जुलाई में। और थर्ड फेज की बात करें तो इसमें हमारा इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, सिनेमा हॉल्स, मेट्रो, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इससे रिलेटेड जो भी एरियाज आते हैं वो, प्लस सोशल, पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, प्लस लार्ज गैदरिंग, इन सब चीजों पे डिसाइड होगा कि कौन सी डेट को और कब तक ये सब खुल सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, नाइट कर्फ्यू। जैसे कि आप सबको पता होगा जो नाइट कर्फ्यू है, जिसका टाइमिंग पहले 7 PM to 7 AM रखा गया था, उसे चेंज करके अभी 9 PM to 5 AM कर दिया गया है। और नाइट कर्फ्यू के अलावा एक अच्छी न्यूज और भी है, जिसमें जैसे पहले आपको ट्रैवल नहीं कर सकते थे, आप बाहर नहीं जा सकते थे, आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकते थे, या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में भी आपको प्रॉब्लम होता था, या ये सब काफी सारी रिस्ट्रिक्शन थी, तो अभी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, कोई पास की जरूरत नहीं है, पास की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इजिली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हेडेक। जो डोमेस्टिक ट्रैवल है वो कंटिन्यू रहेगा, ट्रेन सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू रहेंगी, और जैसे काफी लोग जो बाहर फंसे हुए थे उनको लाने के लिए जो फ्लाइट चलती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो भी कंटिन्यू चलती रहेंगी, एज पर एसओपी ये डिसाइड होगा। ओके फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कंटेनमेंट जोन, जो अभी तक इसका जो लॉकडाउन है वो 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका ये मतलब है कि जहां पे ज्यादा केसेस हैं वायरस के, उन एरियाज को 30 जून तक उनको बाकी की तरह, बाकी लोगों को या बाकी जो जोन्स हैं उनकी तरह सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो आप मेक श्योर, आप ट्रैवल करने से पहले या कुछ भी डिसाइड करने से पहले आप अपना जोन देख लें कि आप किस जोन में आते हैं। अगला जो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है, गैदरिंग। तो अगर आपके यहाँ पे शादी है या आप कोई शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पे 50-50 से ज्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे। और दूसरा केस अगर होता है, अगर फ्यूनरल का, डेथ का रिलेटेड केस होता है, तो वहां पे 20-20 से ज्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे। नेक्स्ट चीज जो है, स्पिटिंग। अगर आप पब्लिक एरियाज पे थूकते हो या आप पब्लिक एरियाज पे लिक्विड पीते हो या आप स्मोक करते हो, गुटखा खाते हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपको दिखती है, तो आपको गवर्नमेंट पनिशमेंट देगा। सो मेक श्योर ऐसी कोई हरकत ना करे। नेक्स्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, जिसमें पीपल जो लोग 65 से ऊपर के हैं, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या कोई बच्चा है, चाइल्ड है 10 साल से कम का, इनको स्पेशली बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल भी ट्रैवल ना कर रहे हैं, अननेसेसरली ट्रैवल ना करें। और नेक्स्ट चीज है, आरोग्य सेतु। और अभी आरोग्य सेतु का एप्लीकेशन जो है कंपल्सरी कर दिया गया है, आपके पास ये होना ही चाहिए। फेस मास्क की मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि बहुत जरूरी है और ये आपको कंपल्सरी है, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो ये लॉकडाउन से अनलॉक चीजें हो रही हैं, इनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब चीजें जो लॉकडाउन से अनलॉक कर रही है गवर्नमेंट, ये सिर्फ इसलिए कर रही है जो लोगों की लाइफ आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी, प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब धीरे धीरे सॉल्व हो जाए और आने वाले कुछ मंथ्स में जैसे हमारा लाइफ पहले था, लॉकडाउन से पहले था, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। और एक टाइम के बाद रियलाइज भी नहीं होगा कि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ भी था। आई होप कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं और आपको पसंद आए। सो गाइस, मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलें एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।